हेलो एवरीवन, आज हम हमारे कॉर्डशीट सेशन का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कॉर्डशीट सेशन में अब हम लोग रोज एक न्यूमेरिकल करेंगे कॉर्डशीट का। कल थोड़ा मैं बिजी होने के कारण मैंने कल आपके लिए एक वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, तो आज हम लोग करते हैं आगे कंटिन्यू। एक सेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले जाके वो वीडियोज़ देखिए जिसमें मैंने कॉर्डशीट का फॉर्मेट बताई हूँ। और उसके बाद हमारे दो न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। नाउ टुडे वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कॉर्डशीट। स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन में आप ये मत सोचिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन मैडम हर एक दिन करवाएगी, नहीं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आऊंगी। जैसे हमने लास्ट सेशन में जो कॉर्डशीट का न्यूमेरिकल किए थे वो बहुत ज्यादा सिंपल था, यानी वो बेसिक क्वेश्चन था ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ चीजें डिफरेंट है, तो देखिए क्या डिफरेंट है और वो जो नया है वो सीखिए। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टू द प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग, दैट जब आप ये वीडियो देखें तो पहले इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन दे रखी हूँ, तो पहले आप वो क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद ये वीडियो देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि विदाउट सेइंग द विदाउट क्वेश्चन आप क्या सॉल्व कर रहे हो ये आपको समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, स्क्रीन में मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सॉल्व करके दोनों शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप लोग क्वेश्चन देखते हुए फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर क्वेश्चन। देखिए कॉर्डशीट का फॉर्मेट तो आप लोगों को अब तक समझ चुका होगा, पहले के दो वीडियोस में तीन वीडियोस में मैंने आपको बता चुकी हूँ, बस वही कॉर्डशीट का फॉर्मेट फॉलो करना है हमको। कॉर्डशीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम दिया होगा, ऑफ डैश कंपनी, फॉर द ईयर और फॉर द पीरियड जो भी लिख सकते हो, फॉर द अगर साल भर का बना रहे हो तो फॉर द ईयर एंडेड, और अगर वन मंथ का, 15 डेज का, 20 डेज का, 2 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ऐसा अगर आप बनाते होगे तो वहाँ लिखोगे फॉर द पीरियड एंडेड, और जिस भी डेट पे एंड हो रहा है वो यहाँ पे आप लिखोगे पीरियड कितने महीने के लिए आप बना रहे हो, और यहाँ आप लिखोगे प्रोडक्शन कितने यूनिट्स के लिए आप ये कॉर्डशीट बना रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी तो ही आप यहाँ इंफॉर्मेशन डालोगे, अदरवाइज ब्लैंक फॉर्मेट लिख के छोड़ दोगे, ठीक है? कॉलम्स यू नो, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, ये इसके कॉलम्स होंगे। अकाउंटिंग में रूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स, तो रूलिंग आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है? एग्जाम में भी और आपके नोटबुक्स में भी आपको रूलिंग के साथ ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट डालनी है, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, आपका जल्दी से रूलिंग हो जाएगा, और आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, मतलब कॉर्डशीट आप प्रोसेस पढ़ोगे, आगे रिकन्सिलेशन पढ़ोगे, तो हर एक चीज़ के लिए रूलिंग डिफरेंट होती है, तो आपको याद भी रहेगी कि किसके लिए कैसी रूलिंग करनी है। चलिए देख आते हैं हम क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे आपको देखो इंफॉर्मेशन रैंडमली दी हुई है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम लोग जब कॉर्डशीट स्टार्ट करते हैं तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन आगे पीछे दी भी है, अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आगे पीछे दी भी है तो इट डजंट मेक्स एनी चेंजेस। आपको करना क्या है, आपको अपनी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और पोस्ट करनी है। और एक चीज जब आप सॉल्व करोगे तो अगर जैसे आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन में परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो अभी हमने पहले परचेस ऑफ रॉ मटेरियल की पोस्टिंग नहीं कर रहे, हम पहले कर रहे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 नीचे जहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग है, वो जब आप पोस्टिंग करोगे तो उसके सामने एक मार्क जरूर कर देना क्वेश्चन में, सो दैट आपको याद रहेगा कि ये वाली एंट्रीज हमारी पोस्ट हो चुकी है, और फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में फिर से उसको ढूंढने में। चलिए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन इज 5000, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5000, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो नया पार्ट है आज के क्वेश्चन का वहाँ हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक के बाद, एज यू नो हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट जो पोस्टिंग करनी होती है दैट इज परचेसेस, और परचेसेस भी किसका, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपने परचेस किए होगे उसकी पोस्टिंग करोगे। यहाँ पे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 30,000, वो मैंने पोस्ट कर दी। परचेसेस के बाद आप देखोगे यहाँ कुछ कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस दिया है क्या, यस यहाँ पे गिवन है इनवर्ड कैरेज एक्सपेंसेस के नाम पे, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करोगे,
लास्ट वीडियोस में मैंने इन सब का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हूँ। तो जो भी आज नए हैं पहले आप वो वीडियो देखिए सो दैट आपका ये डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस इज गिवन इज 3600, वो हमने पोस्ट कर दिए। कैरेज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डायरेक्ट दी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक है ईयर के एंड में लेफ्ट ओवर स्टॉक है, तो जो बचा हुआ स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और उसे हमेशा किसी भी चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक हो, फिनिश गुड का हो, ओपनिंग स्टॉक का हो या वर्क इन प्रोग्रेस का हो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 5560। बस यहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। एंड एज यू नो कि जब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो यू विल गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो स्टूडेंट्स, वहाँ पे नीचे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। तो वहाँ पे आपको दिया है प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड शो द फॉलोइंग आइटम्स। क्वेश्चन में देखोगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहला हमने कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट किए थे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो कैलकुलेट करो, वो हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये कुछ आता है 33040। जब आप इसको प्लस माइनस करोगे फिर 35 + 3 इज 38600 - 5560 इट विल कम 33040। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। तो हम सिर्फ डायरेक्ट वेजेस की पोस्टिंग कर देते हैं, वो है 25000। तो आप इसको 25000 को इसे ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 58040। और स्टूडेंट्स क्या होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम में, जब हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड करते हैं तो ये जो आता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइम कॉस्ट। दिस विल बी नोन एज प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट वहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जो जो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा उसमें आपको मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स। तो प्राइम कॉस्ट उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन यू नो कि विदाउट कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट आप आगे की कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट में फिर हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन के टाइम पे लगे, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन आएगी रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। क्योंकि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, देखो सामने रेंट दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे भी समझाई थी फर्स्ट ईयर की क्लास में कि अगर सामने रेंट दिया हुआ है तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस कहलाता है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में आपको फैक्ट्री लिखा हुआ दिख रहा है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के सामने, देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, उसके सामने ब्रैकेट में इस तरह से उन्होंने दे दिए हैं फैक्ट्री और फिर उसके अमाउंट दिए हैं, अमाउंट है 10,000। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसके सामने ब्रैकेट में स्पेसिफाई किए हैं कि दिस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसीलिए हमें उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लिखना होगा रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, क्योंकि ब्रैकेट में फैक्ट्री दिया हुआ है इसीलिए। अदरवाइज अगर ब्रैकेट में फैक्ट्री नहीं होता तो ये फिर चला जाता ऑफिस ओवरहेड में या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में चला जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये है आज का एक नया पॉइंट आज के सम्स का कि अगर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, वहां पे आपको ध्यान देना है। तो अभी रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10,000, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पे दो एक्सपेंसेस दिए हैं इसलिए मैंने उसे इनर कॉलम में लिखी हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस। देखो फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है 2000 स्टूडेंट्स।
तो ये जो 2000 है फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंस है ना क्या, देखो वर्ड्स के मतलब समझने ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर होना, जब आपको उनका मीनिंग पता होगा तो ही यू विल पोस्ट इट करेक्टली। फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस ने फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने के लिए आए हुए पर्सन को हमने जो खर्चा करे उसके पीछे वो होता है फैक्ट्री इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस। तो अगेन रिलेटेड टू फैक्ट्री है इसलिए हमने उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाले। इसके बाद आपको पता है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड उसमें से माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं है तो कुछ नहीं लिखोगे। देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन था, कितना था 11,200, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे क्वेश्चन में तो वो है 4,000। अब ये तीनों अमाउंट को ऐड करके इसे माइनस करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट, अमाउंट विल कम 19,200। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, 58,040 में ये 19,200 को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट थर्ड कैलकुलेशन, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, और उसी को कहा जाता है वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, फिर जो कैलकुलेशन करके आएगा वो होगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। 58,040 प्लस 19,200 करोगे तो इट विल कम 77,240। ठीक है, 77,240। अब फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट के बाद इसमें हमें ऐड करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसमें हमें ऐड करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यानी ही ऑफिस ओवरहेड होता है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड के नाम पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड के नाम पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डैश और इसकी करेंगे हम टोटल अगेन, तो ये जो सेम है यही अमाउंट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी 77,240। और ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस विल नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं पॉइंट नंबर बता देती हूँ, हाँ, अब यहाँ पे हमको यूनिट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। जब आप क्वेश्चन में देखोगे अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए थे स्टूडेंट्स उसमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमारा यूनिट कॉलम अब तक ब्लैंक जा रहा था, राइट। लेकिन अब इस क्वेश्चन में यूनिट की इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एज यू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ हमें ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और सब्ट्रैक्ट करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो कैसे करके दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है, यस 1000 टन्स, अमाउंट इज 4000 ओपनिंग स्टॉक। अब मैं इसे रेड पेन से लिखती हूँ स्टूडेंट सो दैट आप उसको क्लियरली समझ पाओ, मैं फिलहाल यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम को थोड़ा सा मुझे करना होगा बड़ा। ठीक है, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स यहाँ पे दिए हैं 1000 और उसके लिए जो अमाउंट दी हुई है दैट इज 4000, यानी आपके पास जो फिनिश गुड्स का स्टॉक था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड दैट इज वन स्टॉक 1000, और उसके लिए जो कितने कॉस्ट का था उसकी अमाउंट कितनी थी, उसकी अमाउंट थी 4000 रुपीज। तो आपने यूनिट्स कॉलम में लिखे 1000 और अमाउंट कॉलम में लिख दिए स्टूडेंट्स 4000। अब करना क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो भी वहां पे गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज 2000 टन्स और अमाउंट दी है इसकी भी 8000 रुपीज। ठीक है, यानी एंड ऑफ द पीरियड आपके पास जब आपने सेल कर दिए, आपने प्रोडक्शन कर लिए, आपने सेल कर दिए, उसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा था फिनिश गुड्स का 2000 और उसकी कॉस्ट वहां पे गिवन थी 8000 रुपीज। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले तो 4000 में से 8000 अगर आप माइनस करते हो तो ये आएगा आपका माइनस 4000, और आप जानते हो कि माइनस को जब हम कॉलम में लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में अगर आप शो कर रहे हो दैट मीन्स इट इज़ माइनस। तो 77,240 माइनस 4000 करोगे तो ये आ जाएगा 73,240।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये 1000 है और ये 2000 है स्टूडेंट्स, 1000 है 2000 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए थे वो आपको पहले देखना होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको वो गिवन है, किस पॉइंट में है एक सेकंड में बताती हूँ। देखो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 12 जब आप देखोगे तो वहां पे है यूनिट्स प्रोड्यूस 16,000 इन द अबाउ 6 months। यानी स्टूडेंट्स ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कॉस्टशीट हम लोग बना रहे हैं, दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 6 months, दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ 6 months वहां पे गिवन है। और कितना यूनिट्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 16,000 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे 16,000 यूनिट्स। अब देखो ये जो कैलकुलेट अपन करते हैं इसके बाद जो आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, आपने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस करे हो 16,000, ठीक है, 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ से इसको रिवर्स जाओगे तो कैसे, यानी आपके पास पहले कितना था 16,000, जब रिवर्स जाते हैं तो हम करते हैं एडिशन, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। 16,000 प्लस 2,000 करोगे 18,000 माइनस 1,000 करोगे ये आएगा 17,000। तो यहाँ पे आपका यूनिट्स कॉलम में आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने, 17,000 यूनिट्स के लिए आपको इतना कॉस्ट लग रहा था, उसमें से 1000 पहले के थे और 2000 बच गए। इस तरह से 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी लगी, दैट इज यानी आप जो 16,000 यूनिट्स बेचे हो उसके लिए आपकी जो कॉस्ट लगी है दैट इज 73,240। स्टूडेंट दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन में ये चीज नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने लास्ट 2 sums में ये चीज नहीं देखे थे। तो इसको केयरफुली ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स कीजिए, फिर से बैक जाइए वीडियो में और फिर से वो चीज ध्यान से देखिए जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। नेक्स्ट इज इसके आगे देखो, अब ये यहाँ तक आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके बाद हमें उन्होंने पूछे थे आपका टोटल कॉस्ट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो हमको टोटल कॉस्ट निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है टोटल कॉस्ट, वो होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगेन यहां पे एक नई इंफॉर्मेशन दी है वो देखिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंडर यहां पे सिर्फ एक एक्सपेंस दिया है, दैट इज एडवर्टीजमेंट, और उसके लिए बोला है एडवर्टीजमेंट एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस पर टर्न आर 0.25 पर यूनिट, पर टर्न 0.25 पर यूनिट, यानी जितना भी आपने गुड्स सोल्ड करे हो देखो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस कभी भी उसी गुड्स के ऊपर कैलकुलेट होगा जो आपने बेच दिए, क्योंकि जो बेचे हो उन्हीं के ऊपर आप उसकी कॉस्ट ऐड करोगे। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहे हो, टोटल आपने 17,000 प्रोड्यूस किए थे लेकिन वो 17,000 पूरे के पूरे आपके सेल नहीं हुए स्टूडेंट्स, आपके सेल हुए 16,000 यूनिट्स, तो 16,000 यूनिट्स के ऊपर आपको वो करना होगा कैलकुलेट। उसको लिखोगे एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, 0.25 रुपीज़ पर यूनिट था तो 0.25 इंटू कितने यूनिट सेल किए आपने 16,000, तो इंटू 16,000 करोगे, 0.25 इंटू 16,000 करोगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,000, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। यानी टोटल एडवर्टीजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है और उसकी मदद से आपको कैलकुलेट करना है। तो 0.25 पर यूनिट था, कितने यूनिट्स बेचे थे 16,000, अब समझा होगा आपको कि ये यूनिट कॉलम का जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करे हैं उसका यूज क्या है, 16,000 इंटू 0.25 आ गया 4,000, अब 73,240 प्लस 4,000 करोगे तो ये आएगा 77,240।
तो 77,240 इज योर टोटल कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं अगर प्रॉफिट गिवन है तो, और लॉस होगा तो हम उसको करते हैं माइनस, और फिर जो निकलेगा इसके बाद जो निकलता है उसे कहते हैं सेल्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स बताई थी कि अगर क्वेश्चन में सेल्स या तो सेल्स गिवन होगा या तो टोटल सॉरी प्रॉफिट गिवन होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे गिवन है कि आपने टोटल जो गुड्स सेल करे हो वो 75,000 में सेल करे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो 77,000 टोटल कॉस्ट लग रहा था लेकिन आपने उसको सेल किए स्टूडेंट 75,000 में, तो क्या ये आपके लिए प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और सेलिंग प्राइस आपकी कम है, दैट मीन्स इट इज़ योर लॉस। तो लॉस है तो आपको यहाँ पे करना होगा माइनस। कितना लॉस है? 77,240 माइनस 75,000 करोगे तो इट विल कम 2,240। दिस 2,240 रुपीज इज योर लॉस, यानी इस क्वेश्चन में आपको हो रहा है लॉस कितने अमाउंट का? 2,240 रुपीज का, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आज हम लोग ने क्या चीज़ नहीं पढ़े, एक चीज़ तो ये कि यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो उसे कैसे सॉल्व करना है। एंड थर्ड कि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस वाला पॉइंट शायद आपको याद होगा कि उसमें उसके सामने दिया हुआ था फैक्ट्री, इसीलिए हमने उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर डाले। यानी हिडन एडजस्टमेंट्स भी आपको क्वेश्चन में दी हुई हो सकती है इन केस ऑफ कॉस्ट शीट। तो स्टूडेंट्स वो पॉइंट को आपको रखना है ध्यान जब भी आप कॉस्ट शीट सॉल्व करते हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताई थी कि जब आप कॉस्ट शीट सॉल्व करते हो और उसमें पोस्टिंग करते हो तो जो जो पोस्टिंग होती जाती है उसे आप मार्क करते जाओ, सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप आज का सम्स आपको क्लियर होगा, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, मिलते हैं कल और एक नए सम्स के साथ। गुड बाय।